दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं फिर से एक नए स्कैम को। अब ये स्कैम कुछ ऐसा है, अगर आप इसके चक्कर में आ गए ना तो आपके बैंक अकाउंट के सभी पैसे खाली हो सकते हैं। इट मींस कि आपका बैंक अकाउंट पूरा का पूरा भी खाली हो सकता है, और रीज़न रहेगा सिर्फ एक गलती, वो है लालच। जी हाँ गाइस, अगर आपने लालच किया तो आपके साथ ये स्कैम हो सकता है। अब आपके व्हाट्सएप पर जो है इस तरीके का एक मैसेज आ सकता है, इसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि इस वेबसाइट पर जो है आपके $70,000 USDT समथिंग जो है पड़ा हुआ है, और आपका जो है यूज़र नेम ये रहेगा, आपका पासवर्ड ये रहेगा, और नीचे लिख दिया गया है कि इस इन्फॉर्मेशन को किसी और के साथ शेयर मत कीजिएगा। इसको अब सामने वाला अगर पढ़ेगा तो उसको ये लगेगा कि भाई ये गलती से किसी ने मुझे शेयर कर दिया, किसी और के अकाउंट है, किसी और का पासवर्ड भी है, उसमें पैसे भी हैं, और मुझे किसी ने गलती से शेयर कर दिया। और इतना डॉलर को अगर वो कन्वर्ट करेगा इंडियन रुपीस में तो वो समझ जाएगा कि भाई मैं बैठे बैठे जो है लाखपति करोड़पति समझ जाऊंगा। अब यहां पर जो है कोई भी अगर उस लिंक पर क्लिक करेगा ना तो वहां पर उसको अपनी बैंकिंग डिटेल्स डालनी होगी उस पैसे को लेने के लिए। तो अगर आप जो है बैंकिंग डिटेल्स डाल देते हो तो इसके बाद जो है आपसे एक चार्जेस मांगा जाएगा इसको पूरा प्रोसेस करने के लिए, या फिर यूं समझ लीजिए तो उसको विड्रॉल करने के लिए आपको जो है एक चार्जेस देना होगा, जो कि 5% होता है, कभी 10% होता है, इस तरीके का अमाउंट होता है। अगर ये चार्जेस आप दे देते हैं इसके बाद भी जो है आप अब इस पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्कैम है मेरे दोस्त। अब दूसरा स्कैम जो होता है वो ये होता है कि ये लोग सामने से कहेगा कि भाई आपने पैसे तो दे दिए और हमने भी आपको पैसा भेज दिया है। अब अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे पास तो मेरे अकाउंट में पैसे आए नहीं है, तो इसको ये वेरीफाई करने के नाम पर जो है ये आपसे बैंकिंग डिटेल्स में आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल्स ले सकते हैं विथ OTP। जी हाँ गाइस, ये आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल्स ले सकते हैं OTP के साथ, या फिर ये आपके फ़ोन में जो है कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल करवाएंगे जिससे आपका स्क्रीन शेयर होगा उन लोगों के पास में, और उसके बाद जो है ये आपको कहेंगे आप अपना नेट बैंकिंग को लॉगिन कीजिए और आप जो है मेरे सामने जो है इसको चेक कीजिए कि कितना आपका अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है, फिर हम यहाँ से जो है कंप्लेन आगे प्रोसेस करेंगे और आपके अकाउंट में फिर पैसे हम डलवा देंगे। इस तरीके की बात की जाएगी। आप जो है स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाले रहोगे अपने फ़ोन में, अब उस बंदे के पास जो उसका पूरा एक्सेस रहेगा, वो बंदा भी वहां से वही देख सकता है जो आप देख रहे हैं, वो बंदा भी वही कर सकता है जो आप कर सकते हैं आपके फोन में, ठीक है। तो यहां पर आप जो भी करने वाले अपने फोन में आपको बोला जाएगा नेट बैंकिंग ऑन कीजिए और नेट बैंकिंग में मुझे बैलेंस चेक करके बताइए। तो नेट बैंकिंग ऑन करने के लिए आपने अपना जो भी ID डाला है, पासवर्ड डाला है, सभी चीजें वहां पर दूसरे सिस्टम में अपने फिल कर रहा होगा, वहां पर उसके में भी लॉग इन हो गया। अब आप लोग सिंपल सी बात समझ जाइए कि अगर वो भी लॉग इन हो जाएगा आपके सेम यूजर ID से, पासवर्ड से नेट बैंकिंग में, तो इसके बाद इजिली जो है आपके बैंक अकाउंट का पैसा वो खाली कर सकता है। तो ओवरऑल इस तरीके का स्कैम होता है मेरे दोस्तों, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आप इसके चक्कर में आओ। आपके पास जो है टेक्स्ट मैसेज भी आ सकते हैं इस तरीके के, आपके पास जो है व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ सकते हैं जिसमें आपको बस ये कहा जाएगा कि इतना इतना USDT पड़ा हुआ है या फिर इतना इतना डॉलर पड़ा हुआ है, बस आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी दे दिया जाएगा, वेबसाइट का URL भी दे दिया जाएगा, बस जाओ एंटर करो मेरे दोस्त और पैसा निकाल लो। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, ये आपको जो है सामने से नोटा दे रहे ना वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप आओ और अपने पैसे लुटवाओ। सो फाइनली मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप लोगों को इस लिंक पर क्लिक नहीं करना है, अगर गलती से कर चुके हो तो अपने फोन का डाटा का बैकअप ले लो और फोन को फैक्ट्री रिसेट जरूर से कर देना। इसके अलावा अगर आपने बैंकिंग डिटेल शेयर किया है तो अपने बैंक को इन्फॉर्म जरूर से कर दीजिएगा, या फिर बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके इन्फॉर्म जरूर से कर दीजिएगा कि मैंने ऐसे ऐसी वेबसाइट में एक डेबिट कार्ड की अपनी डिटेल्स जो है डाल दिया है, शेयर कर दिया है, जरूर से इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अदरवाइज आपके साथ ये स्कैम हो सकता है। सो बच के रहिएगा, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ किसी भी तरीके कोई भी स्कैम हुआ है ना तो उसकी जानकारी को आप मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरा इंस्टाग्राम ID और Gmail ID आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेक कर लीजिएगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस जरूर से कर दीजिएगा, यहां पर हमेशा ही आपको अवेयरनेस से जुड़ा वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में फिर किसी नए स्कैम की जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।